हाय गाइस, आज मैं आप लोग को शाओमी के फोन रिकमेंड करने वाला हूँ 6,500 रुपए से लेके 57,000 रुपीज तक। और इस सेम वीडियो मैंने सैमसंग के लिए भी बनाई थी, तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ऐसी जो है शाओमी के लिए भी आनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैं आज फोन आप लोग को दिखाने वाला हूँ ना, वो ओनली फोन रिकमेंडेड है। अगर कोई फोन पर्टिकुलर प्राइस पे इस वीडियो में नहीं दिखाया तो इसका मतलब वो वैल्यू फॉर मनी हमारी टेस्टिंग में नहीं आया। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना एक सुपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम पे सेल चल रही है बहुत जगह पे, और फोन की जो प्राइजेस है यार वो बहुत ज्यादा वेरी करेंगे। हो सकता है आप बाद में वीडियो देखो और उस टाइम पे जो मैं ऑफर्स बता रहा हूं वो ना मिले, तो भाई यार वो टाइम सेंसिटिव वाली बात है, ये डील्स जो है ऊपर नीचे होती रहती है। स्टिल मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आज जो भी मैं फोन रिकमेंड करूंगा, चाहे आप कभी भी खरीदो, फिर भी वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। तो 6,500 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो है Redmi 9A Sport मिलता है। वैसे इस फोन का प्राइस 7,000 रुपए है, लेकिन 500 रुपए जनरली ऑफ मिल जाता है, और इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन सही है। इस फोन में MediaTek Helio G25 मिलता है, जो कि ठीक प्रोसेसर है और 2GB रैम है, और साथ में 32GB स्टोरेज और ट्रिपल स्लॉट हमें मिल जाता है अगर आप माइक्रो एसडी कार्ड लगाना चाहो। और इस फोन में 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि HD है, और 5000mAh की बैटरी और 10 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। एक्चुअली में फोन जो है लंबा बैटरी बैकअप तो देगा। और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, तो ये भी ओके पैकेज है। लेकिन फोन में कमी है कि इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। बट ऑब्वियसली यार 6,500 रुपए मेरे हिसाब से ये फिर भी एक फोन के हिसाब से बता रहा हूं, एंट्री लेवल फोन है, फिर भी ये सही पैकेज दे रहा है। नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, और ये डील शायद से आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है, क्योंकि 10,000 रुपए के आसपास में हमें एक 5G फोन मिल रहा है। अगर आप जाके चेकआउट करते हो Redmi Note 10T 5G को, वैसे उसका प्राइस 12,000 रुपए, लेकिन ऑफर लगाने के बाद 10,749 रुपीज का ये मिल रहा है, जो कि इसको इंटरेस्टिंग डील बनाता है, क्योंकि इस प्राइस में 5G फोन और कोई नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसमें 5 5G बैंड्स भी दिए, और इस प्राइस में जो है ना 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाला हमें वेरिएंट मिल रहा है, और इसके अंदर Dimensity 700 प्रोसेसर है, और साथ में हाइब्रिड सिम स्लॉट है। डिस्प्ले भी जो है ना वो 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और 6.5 इंच की फुल HD प्लस है, और इस फोन में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, और जो कैमरा है वो 48+2+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और इसमें भी जो है बैटरी 5000mAh की मिलती है और 18W की चार्जिंग है। तो नो डाउट ये फोन जो है एक इंटरेस्टिंग पैकेज तो है, अगर आपको एक 5G फोन चाहिए हो। मेरे हिसाब से 10,000 रुपए में फोन क्रेजी डील है, क्योंकि 10,000 रुपए में Redmi 10 मिलता है, जो कि कितना इंटरेस्टिंग फोन नहीं है, सिर्फ उसका बैटरी बैकअप अच्छा है। मेरे हिसाब से Redmi Note 10T 5G एक क्रेजी डील है, अगर आप इसको 10,000 के आसपास ले सको तो। नेक्स्ट बात करते हैं Redmi Note 11 की, और पर्सनली मुझे इस फोन का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। वैसे इसका प्राइस 14,000 रुपए है, लेकिन ऑफर लगाने के बाद 12,250 रुपए का आप इसको खरीद सकते हो। इस फोन की सबसे अच्छी चीज इसकी डिस्प्ले है, जो कि 6.43 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। ऊपर से 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी है, तो आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और Snapdragon 680 UFS 2.2 स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और ट्रिपल स्लॉट, लाइक ये चीजें ठीक है। इनफैक्ट बैटरी डिपार्टमेंट भी अच्छा है इसका, 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग ही देता है। और इस फोन के बैक साइड में हमें 4 कैमरे मिलते हैं, 50+8+2+2, और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल। मेरे हिसाब से 12,500 रुपए के आसपास ये फोन बहुत अच्छी डील लेकर आता है, और अगर आपको कोई कंटेंट देखने के लिए फोन चाहिए जिसकी डिस्प्ले अच्छी हो, इसको जरूर चेकआउट कर लेना। अच्छा, एक चीज क्लियर कर देता हूं कि मैंने पोको के कोई भी फोन इन्वॉल्व नहीं करे इस लिस्ट में, सिर्फ Xiaomi एक्सक्लूसिव वीडियो है। अगर हम 15,000 के आसपास का सेगमेंट देखते हैं ना, तो इतने सारे फोन मिल जाते हैं हमें Redmi की तरफ से और पोको की तरफ से। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा सॉर्ट किया है चीजों को। यहां पर दो फोन बहुत अच्छे, एक Redmi Note 11T और दूसरा Redmi Note 10 Pro। ट्रस्ट मी, अगर इन दोनों फोन में से कोई एक पिक करते हो, मेरे हिसाब से वो आपके लिए बहुत बेटर डील होगी। मैं Redmi Note 10 Pro के बारे में बताता हूं। ये पिछले साल का फोन है, जो कि मेरे हिसाब से आज भी फैंटास्टिक परफॉर्म करता है। इसका डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वैसे इसका प्राइस जो है 16,000 रुपए है, लेकिन ऑफर लगाने के बाद 14.5 के आसपास आपको मिल जाएगा। और एक बार इसका बैक पैनल देखो गाइस, खासकर इसका ब्रॉन्ज कलर, मुझे पर्सनली ये फोन बहुत अच्छे लुक्स वाला लगता है। इनफैक्ट मुझे इस फोन की स्क्रीन भी बहुत ज्यादा पसंद है यार, 6.67 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और इस फोन में सुपर AMOLED डिस्प्ले भी है, जो कि 1200 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है। और इन सब के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी है। मेरे हिसाब से भाई फोन डिजाइन वाइज या फिर डिस्प्ले वाइज बहुत सही है। और परफॉर्मेंस की बात करो तो Snapdragon 732G प्रोसेसर मिलता है, 6GB रैम और 128GB वाला स्टोरेज आप खरीद सकते हो। स्टोरेज जो है UFS 2.2 है और ट्रिपल स्लॉट हमें मिलता है, और जो बैटरी है वो 5020mAh की है, जो कि 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। और कैमरे की बात करो तो 64+8+5 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और 5 मेगापिक्सल वाला जो है मैक्रो लेंस है। इन दिनों में मैक्रो लेंस बहुत डाउन
डाउनग्रेड कर दिए गए हैं 2-2 मेगापिक्सल के, 5 बचा है यहाँ पर। और इस फोन का फ्रंट कैमरा भी जो है 16 मेगापिक्सल का है, तो वो सही सेल्फी आ सकती है। और फन फैक्ट ये है कि ये फोन जो है 4K 30fps रिकॉर्ड कर सकता है, जितने भी लेटेस्ट फोन आए हैं किसी में भी 4K 30fps का सपोर्ट नहीं है। अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो इस प्राइस सेगमेंट में एक बहुत बैलेंस फोन है। और हाँ, याद रखना ये एक 4G फोन है जो कि पिछले साल का है। अगर आपको 5G फोन चाहिए हो तो सेकंड फोन मैं रिकमेंड करूंगा Redmi Note 11T 5G। ये फोन लेटेस्ट है जो कि 16,000 रुपए इसका प्राइस है और ऑफर लगाने के बाद 14,000 रुपए का आप खरीद सकते हो। और इस फोन में MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर मिलता है और 7 5G बैंड्स है और UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाती है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं, और हाइब्रिड सिम स्लॉट है यहां पर। और जो डिस्प्ले वो 6.6 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और बैटरी जो है 5000mAh की है जो कि 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। और अगर कैमरे की मैं बात करूं ना, तो यहां पर 50+8MP का सिर्फ डुअल कैमरा सेटअप है और जो फ्रंट कैमरा 16MP का है। देखो, आपने खुद सारी स्पेसिफिकेशन सुन ली है, इस फोन में 5G के अलावा एज सच कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टिल मैं बोलूंगा Redmi Note 10 Pro जो है एक बेटर डील बनती है, क्योंकि उसके अंदर सुपर एमोलेड क्या भाई एक से एक फीचर मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से आप वो ज्यादा चेकआउट करना। बट स्टिल आपके ऊपर, आपको 4G चाहिए या 5G, आई रिस्पेक्ट दैट। अब नेक्स्ट मैं फोन रिकमेंड करूंगा Redmi Note 10 Pro Max। हां भाई, मैं फिर से जो हूं पिछले साल वाला फोन रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्रेजी फोनों में से एक है। वैसे इसका प्राइस 19,000 रुपए है, लेकिन ये 17,000 रुपए का मिल जाता है। और इस फोन की सबसे खास बात इसका कैमरा सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बाकी 8+5+2 के और 3 कैमरे मिलते हैं, तो टोटल 4 कैमरास है। मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन का कैमरा जो है बहुत अच्छी फोटोज खींचता है। और इसका फ्रंट कैमरा भी जो है 16 मेगापिक्सल का है और ये भी 4K रिकॉर्ड कर सकता है। और इस फोन में स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है और 6GB रैम 128GB स्टोरेज, UFS 2.2 स्टोरेज और ट्रिपल स्लॉट भी मिलता है। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इस फोन का डिजाइन बहुत अच्छा था और डिस्प्ले भी 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड 1200 nits, 120Hz का रिफ्रेश रेट, ये सब कुछ जो है क्रेजी चीजें ही है। और हाँ, 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। देखो, सारी चीजें देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आज भी ये फोन जो है बहुत सही वैल्यू लेकर आता है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में अगर 17,000 के आसपास लेटेस्ट फोन अगर आप देखने गए ना, तो Redmi Note 11 Pro अवेलेबल है, जो कि भाई इसके सामने मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा फोन है। बट स्टिल मैं उस फोन को उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जिनको फास्ट चार्जिंग चाहिए, क्योंकि Redmi Note 11 Pro के अंदर हमें 67W की फास्ट चार्जिंग मिलती है और फास्ट चार्जिंग के अलावा मुझे एज सच कोई बड़ा रीजन नहीं मिला उसको रिकमेंड करने का। अब जो नेक्स्ट फोन है ना, उस पे जो डील चल रही है वो पर्सनल मेरी फेवरेट है, क्योंकि 25,000 रुपए का वो फोन है जो कि है Xiaomi 11i और ये जो है 20,000 रुपए का मिल रहा है। इस फोन का कैमरा जो है हमें 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, बाकी और दो कैमरे हैं 8+2 मेगापिक्सल के। फ्रंट भी जो है 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये 4K रिकॉर्ड कर लेता है ऑब्वियसली। ये एक 5G फोन है जो कि 8 5G बैंड लेकर आता है और इसके अंदर MediaTek Dimensity 920 चिपसेट मिलता है, 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है और हाइब्रिड सिम स्लॉट है और UFS 2.2 स्टोरेज है। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर 6.6 इंच की फुल HD प्लस एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट भी लेकर आती है। ऊपर से गोरिल्ला ग्लास 5B और 1200 nits की डिस्प्ले है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में किसी भी वे में कंजूसी नहीं है। और जो बैटरी है ना, वो 5160mAh की है जो कि 67W चार्जिंग सपोर्ट कर रही है। देखो, करंट सिचुएशन देखते हुए चलूं ना, तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपए में ये बहुत ही क्रेजी फोन है, लेकिन अगर आप अपना प्राइस सेगमेंट 22,000 रुपए कर लेते हो ना, तो यहाँ पर जो है हमें Xiaomi 11i हाइपर चार्ज मिल रहा है जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम फोन है, लेकिन उसके अंदर 120W की चार्जिंग है और साथ में 4500mAh की बैटरी। 120W की चार्जिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सिर्फ 22,000 रुपए में। नेक्स्ट फोन की बात करते हैं, ये है Xiaomi 11X 5G। इसका प्राइस जो है 28,000 रुपए है, लेकिन ये 27,000 रुपए का हमें मिल रहा है। और एक बार इस फोन का डिजाइन देखो, बैक पैनल जो है बिल्कुल शाइनी है, ग्लास के साथ आता है और इन हैंड फीलिंग इसकी बहुत सॉलिड लगती है और मुझे कैमरा मॉडल पर्सनली बहुत मॉडर्न लगता है। तो अच्छे लुक्स तो है ही, लेकिन परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी बहुत सही है। स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट मिलता है जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत स्टेबल चिपसेट है, साथ में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और स्टोरेज जो है UFS 3.1 है। एक चीज क्लियरली बता देता हूं कि आप स्टोरेज एक्सपेंड नहीं कर सकते, यहां पर सिर्फ डुअल सिम का ऑप्शन है। वैसे तो ये 5G फोन है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 5G बैंड देखने मिलते हैं, तो भाई ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी जो डिस्प्ले वो 6.67 इंचेस की एक AMOLED है जो कि 120Hz का रिफ्रेश रेट लेकर आ रही है और गोरिल्ला ग्लास 5B और 1300 nits की ब्राइटनेस।
ब्राइटनेस है। और इस फोन में जो है ना 4520 mAh की बैटरी मिलती है जो कि सिर्फ 33 W पे चार्ज होती है। और जो कैमरा है वो 48+8+5 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में जो है 20 MP का सेल्फी कैमरा है। देखो बेटर कंक्लूजन देता हूं, अगर आपको सिर्फ Xiaomi का फोन चाहिए तो ये एक अच्छा फोन है, आप खरीद सकते हो। प्रोसेसर अच्छा है इसका, डिजाइन अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप 30,000 से लेके 57,000 रुपीज के बीच में जितने भी Xiaomi के फोन आते हैं ना, मैंने सब टेस्ट करे, मेरे पास है, मुझे वो इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं लगे क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है वहां पर। 30,000 रुपए के बाद मैं सीधा आपको रिकमेंड करूंगा 57,000 रुपीज में Xiaomi 12 Pro। वैसे इसका प्राइस जो है 63,000 रुपीज है, बट आप ऑफर लगा के इसको 57,000 रुपीज में ले सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं कि मेरा जो है फेवरेट फोन है Xiaomi का। इनफैक्ट अगर आप कॉम्पिटिशन से भी कंपेयर करते हो ना तो एक क्रेजी वैल्यू देते हैं। इसकी कर्व डिस्प्ले मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है और बैक पैनल भाई मेरे टेस्ट का है, ऐसे डिजाइन मुझे पर्सनली पसंद आते हैं। और इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 जेन्युइन प्रोसेसर मिलता है जो कि फ्लैगशिप लेवल का है और LPDDR5 रैम है इसके अंदर। और हाँ, डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर LTPO 2.0 है और ये जो है एक 2K डिस्प्ले है जो कि बहुत सही शार्पनेस लेकर आती है। और इस फोन में जो है 14 5G बैंड्स मिलते हैं तो प्रॉपर 5G फोन है। और बैटरी डिपार्टमेंट भी सॉर्टेड है, 4600 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 120 W पे चार्ज होती है। इनफैक्ट वायरलेस चार्जिंग भी जो है ना 50 W सपोर्ट करती है। लेकिन बेस्ट पार्ट इस फोन का इसका कैमरा है जो कि 50+50+50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है और भाई बहुत अमेजिंग फोटोज ये फोन खींच लेता है। और फ्रंट कैमरा भी जो है 32 MP का है और ये फोन जो है ना 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। इनफैक्ट मैं ये तक बोल सकता हूं कि अगर आप 60,000 रुपए के नीचे कोई फोन देख रहे हो ना तो Xiaomi 12 Pro एक बेस्ट डील में से एक है। तो ये थी पूरी लिस्ट और आप लोग की रिक्वेस्ट के बाद फाइनली हमने जो है Redmi के लिए भी एक ऐसी वीडियो बना दी है। आई होप आपकी किसी वे में मैंने हेल्प करी हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने Samsung के लिए भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी, आप यहां से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।